हेलो वेलकम दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस लेक्चर में मैं मेरे सारे 11th के दोस्तों से बात करने के लिए जुड़ चुका हूँ। यस दोस्तों, जैसे ही 10th खत्म हुई हमने अच्छे अच्छे ख्वाब देखे थे, अपने अपने ड्रीम्स है कि भाई कॉलेज लाइफ चालू हो जाएगा, राइट। एक स्टूडेंट ऑफ द ईयर्स जो मूवी हमने देख के रखा था, राइट। कुछ भी हो, लेकिन एक बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज या गलत तो हुआ है आपके साथ, राइट, कि सर स्कूल खत्म हुआ और कॉलेज लाइफ घर में चालू हो गए, ऑनलाइन लेक्चर चालू कर दिए गए, राइट। दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत ही सीरियस होने वाला है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि भले आपका एडमिशन कुछ बच्चों का नहीं हुआ, लेकिन याद रखो कि टाइम रुक नहीं रहा है, टाइम अपने स्पीड से आगे बढ़ रहा है, और आप क्या गलती कर रहे हो जो आपने नहीं करनी चाहिए, राइट। अपने जितने भी दोस्त लोग हैं उन सबके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा, राइट, ताकि उनको समझे कि उनकी आंखें सही समय पे खुल जाए और अपना एटलीस्ट जो भी करियर उनको सिलेक्ट करना है, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, व्हाटएवर, लेकिन वो उनका पढ़ाई तो स्टार्ट करे। फिलहाल मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर कोरोना नहीं होता, आपके कॉलेजेस टाइम पे शुरू हो चुके होते तो क्या सीन रहता, देख लीजिएगा, ताकि आपको पता तो होना चाहिए कि सर जो मैं आपके साथ डिस्कस करने कर रहा हूं वो कौन से पॉइंट्स पे है, आपको पता तो चले। दोस्तों आप देख रहे हो अभी कौन सा मंथ चालू हो गया, आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, अब हम नवंबर मंथ में है, राइट। अभी दिवाली आ जाएगी, सारे 11th के बच्चे बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपका एज पर नॉर्मल शेड्यूल जो होता था अब तक, अगर कोरोना नहीं होता तो दोस्तों मार्च अप्रैल में आपका 11th का मेन एग्जाम हो जाता करके, आई रिपीट कि मार्च अप्रैल में आपका 11th का नॉर्मल एग्जाम हो जाता और आप 12th की पढ़ाई या 12th में चले जाते। लेकिन मेरे भाई और बहनों, सबसे बड़ा सवाल ये है, जिनका फर्स्ट लिंस में लाम हो गया है, आ गया, उनके कॉलेजेस चालू नहीं हुए, जिनकी सेकेंड और थर्ड लिस्ट अब तक आई ही नहीं, जिनका एडमिशन ही नहीं हुआ, तो क्या हम समझे क्या दिसंबर में गवर्नमेंट कॉलेज चालू करेगा? और अगर दिसंबर में चालू करने वाला है तो मुझे बताओ क्या जैन फेब और मार्च में, मतलब दो महीने में क्या पूरा 11th का सिलेबस पढ़ा के हो जाएगा? डेफिनेटली नहीं दोस्तों। ऑलरेडी 25% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, लेकिन क्या 75% सिलेबस इन दो महीने में कवर होने जैसा है क्या? और जो बच्चे कॉलेज के भरोसे बैठे हैं वो अपना करियर बर्बाद ना करें। कुछ ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनको साइंस लेना था उन्होंने प्राइवेट कोचिंग चालू कर दिए, जिन्हें कॉमर्स पता था, जिन्हें आर्ट्स लेना है, हर एक बंदे ने अपने अपने प्राइवेट क्लासेस स्टार्ट तो कर दिए, लेकिन इंडिया में, महाराष्ट्र में ऐसे कितने बच्चे हैं जो क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका क्या? और उन बच्चों को मैं कहना चाहूंगा जो क्लासेस कर रहे वो भी, और जो क्लासेस नहीं लगा पाए वो भी, कि आपको एक चीज याद रखनी है कि हर एक बच्चा क्लास के भरोसे ही पास नहीं होता। आपने जितने भी बड़े बड़े लोग देखे होंगे, अल्टीमेटली सेल्फ स्टडी ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट हथियार है, वो चीज अगर कोई ठान लेना तो अपने दम पे भी पढ़ सकता है दोस्तों। सो आप ये कभी भी रीजन मत देना कि सर यार हमने तो, हमारे तो पास क्लास लगाने के लिए पैसे नहीं, या फिर हम तो अभी हम सोच ही नहीं रहे क्लास लगाने का, देखेंगे 12वीं में देख लेंगे, ये सब रीजन हटा दो। और अल्टीमेटली देखो, अगर आप पढ़ोगे तो क्लास की जरूरत ही नहीं रहेगी, बहुत ही जेन्यून बात कर रहा हूं आपसे, क्योंकि आप नहीं पढ़ रहे हो, आपको सहारे की डिपेंड रहने की आदत हो गई है, तो इसलिए क्लास वाले कमा रहे। तो मैं चाहूंगा कि आप एटलीस्ट क्लास लगाओ, अच्छी बात है, आपको वहां पे वो प्रॉपर गाइडेंस देंगे, नहीं अगर लगा पा रहे तो खुद तो भी पढ़ाई चालू कर दो। कितने देर आप भरोसे पे बैठे रहोगे कि वो चालू करेंगे फिर हम पढ़ेंगे? दोस्तों ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैंने आपको बता दिया मार्च अप्रैल में होते, चलो मैं वापस उस पॉइंट पे आता, आपकी नॉर्मल पढ़ाई चालू होती और मेरे भाइयों और मेरी बहनों आपका फेब्रुआरी, मतलब देखो 2021 तो चालू हो जाएगा अभी दो तीन महीने बाद, बराबर है कि नहीं, आपका 2022 में यहां पे बोर्ड एग्जाम होता 12वीं का, मेरी बात को समझ पा रहे हो? अप्रैल 2021 में 11वीं खत्म हो जाता, कुछ महीने आपको पढ़ने को मिलते और बोर्ड एग्जाम आपका आता 2022 क्या फरवरी या मार्च में होता है, एज पर नॉर्मल, अगर कोरोना नहीं होता तो। और जो बच्चे सीए करना चाहते हैं प्रोफेशनल कोर्स, क्योंकि अब एक नया नोटिफिकेशन आया है जिसके तहत आप लोग 10वीं पास होने के बाद ही रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, मतलब मई में आपका अटेम्प्ट होगा सीए फाउंडेशन का। सो आपने पढ़ाई को, पढ़ाई के इंटेंसिटी को समझो, मतलब कितना
सही स्मूथली चलता अगर कोरोना नहीं होता तो। लेकिन कोरोना आने की वजह से जो आपके कॉलेजेस के शुरुआत होने में लेट हो रहा है, अब तो ये बहुत बड़ा डाउट है, क्योंकि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूँ तो, वर्षा जी गायकवाड़, राइट, इन्होंने जो कहा है, श्रीमती वर्षा जी गायकवाड़ इन्होंने, कि इन्होंने कहा है कि 12वीं के एग्जाम मई से पहले तो नहीं हो सकता इस साल, तो चांसेस है कि 11th के एग्जाम भी ना हो, ऑप्शन वन, या फिर ऑनलाइन करा ले जैसे बीकॉम के लिए है। और कितना सिंसियरली बच्चों ने दिए अभी आपको ही पता है, आपके कोई भाई बहन हो गए तो। बट मुद्दा यह है 11th बेस ईयर होता है दोस्तों, क्योंकि जो 10वीं तक अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़े थे, मैं अगर कॉमर्स की बात करूं स्पेसिफिकली, तो कॉमर्स में अकाउंटिंग, डेबिट क्या क्रेडिट क्या, ये बेस ही अगर किसी बच्चे का क्लियर नहीं होगा तो 12वीं में जाके हम क्या उखाड़ लेंगे। इकोनॉमिक्स का बेस जिसका क्लियर नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स का बेस जिसका क्लियर नहीं होगा, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, मैथ्स, ये आपको बेस है, और वहां पे अगर आप अच्छे से नहीं कर पाए तो सिर्फ वो कागज के डिग्री के लिए हम थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, हम कुछ बनने के लिए यहां आए, कुछ काबिल बनने के लिए हमको पढ़ना है। ये ऐसे नहीं कि बाबा कि ठीक है, मतलब चलो पास जाले 11वीं संपल 12वीं, वो तुम अभी तुमको मजा आ रहा है बाद में लग जाएगी। तो जिन्होंने पढ़ाई चालू नहीं की, सेल्फ स्टडी क्यों ना हो, आपके पास बहुत सारे अवेलेबल है रिसोर्सेस यूट्यूब पे, आप वो देखो। लेकिन आपको अपना पढ़ाई 11th का स्टार्ट करना बहुत जरूरी है जिन्होंने नहीं किया। आई ओपनर ये सेशन आप रखो दोस्तों, क्योंकि कोई इंस्टीट्यूट, कोई आपको जॉब देने वाला ये नहीं सोचेगा कि आप कोरोना के बैच में हो, सिंपथी कोई नहीं देगा। और मैं हमेशा कहता हूं, लोग रीजंस नहीं रिजल्ट देखते हैं। और आप ये मत कहना अरे सर आम्ही तो कसं करायचं, आमच्या टाइमला कॉलेजेस ओपन नव्हते, आम्ही लेक्चरच नाही केले, कोई सुनेगा नहीं आपके। आपके बेसिक वीक्स रहे, 12वीं में बजेगी, 12वीं में परसेंटेज कम है, आगे करियर की लग जाएगी, मतलब आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो अगर ऐसे हुआ कि आपका 11th का एग्जाम पोस्टपोन होता है, सपोज जून 2021 या जुलाई अगस्त में जाएगा, अगर ये मैं कोई बता नहीं रहा हूं ऐसे होने वाला है, ये अंदाजा है, तो आपके 12वीं को कम टाइम मिलेगा और पूरा आपका ना स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। या फिर आपके ऑनलाइन एग्जाम लेके उन्होंने डिसाइड किया आपको पास कर देते हैं, लेकिन भाई पास क्यों, हमको पता तो होना चाहिए क्या पढ़ाई है कैसे है। तो दोस्तों अगर मैं कॉमर्स की बात करूं, देखो ये जो येलो में मैंने यहां पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये नॉर्मल सिनारी होता तो ऐसे चीजें होने वाली थी। यहां पे आपका रहता क्या, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, 11th, यहां पे 12th, और आपका यहां पे मई में सीए फाउंडेशन का एग्जाम रहता है या दे सकते हो, आप इलिजिबल हो, और दूसरा नवंबर में अटेम्प्ट रहता है अगर सीए वाले बच्चे देख रहे तो। लेकिन आपको समझ रहा है आप क्या सिचुएशन से जा रहे हो, तो जो भी है राइट, आपको बहुत सारे कोचिंग अवेलेबल रहेंगे, हमारा क्लास आपको प्रोवाइड कर रहा है। और मैं तो सोच रहा हूं कि जैसे मैं 12th के लिए हमने टारगेट्स दिए हैं, वैसे मैं 11th के लिए भी टारगेट दूं। दोस्तों आपको जो स्क्रीन पे ये नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पे मुझे आपका नाम, आपकी सिटी और आपका स्टैंडर्ड 11th जैसे, बट ऑब्वियस 11th के बच्चे देखेंगे, आप मुझे मैसेज कीजिए इस पे, हेलो सर आपका नाम, माय नेम इज डैश डैश, आप इस सिटी से हो, फ्रॉम सिटी एंड 11th स्टैंडर्ड, आपको टारगेट चाहिए, हम आपको टारगेट प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप पढ़ो राइट। आप अगर पढ़ोगे खुद से, और सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट होता है, और सेल्फ स्टडी के बदौलत ही बहुत सारी बातें होती है, और बहुत बड़े बड़े लोग सेल्फ स्टडी के बदौलत, उन्होंने एलन मस्क का अगर एग्जाम्पल लूं तो उन्होंने खुद बुक पढ़ के क्या से क्या वो हो गए हैं, थोड़ा उनके बारे में कभी यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा आपको समझेगा राइट। लेकिन एनीवेज दोस्तों ये मैंने बात की, कोरोना की वजह से पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया, आपका 11th घर में ही गया, वो बहुत गलत बात थी, 12th में आपके मे बी कॉलेजेस चालू हो जाएंगे, आप जो कॉलेज लाइफ 11वीं में नहीं जी सके आप ट्राई करोगे 12वीं में जियो, और टाइम पास सब हो जाएगा, और 12वीं का ईयर इंपॉर्टेंट है, 4.5 महीने मजे मजे में चले गए, बचे 2-3 महीने, फिर एग्जाम वापस बोर्ड का टेंशन, 10वीं का एक बोर्ड गया था, अब 12वीं का, मैं आपको टेंशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपको समझ रहा है क्या हो सकता है और क्या नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए आप लोग अगर प्रिपेयर रहे, आपको पता है कि मुझे क्या करना है, मेरी इतनी पढ़ाई होगी फिर मजे करने में भी दिल खोल के मजे कर सकते हैं हम लोग, लेकिन अगर हमको पढ़ाई का ही पता नहीं क्या हाल है और यहाँ पे हम मजे ले रहे हो, वो मजे भी नहीं करते आते, मजे करते सोचते रहे यार पढ़ाई का कुछ हो गया तो क्या, घर वाले क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, वो रखना ही नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर बच्चा 11th का अपना एक शेड्यूल बनाए, कैसे कैसे क्या क्या सब्जेक्ट है पहले उसे पता होना चाहिए। अगर मैं 11th की बात करूं तो ये आपके सब्जेक्ट्स है, अकाउंट्स आपको नया है, इको ओसी ये कंपलसरी सब्जेक्ट है,
एक्सेप्ट कुछ अगर ऑर्गेनाइजेशन कुछ इंस्टीट्यूट में अगर अलग रहा तो आई डोंट नो, बट ऐसे ही अकाउंट्स इकोनॉमिक्स ओसीएम ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट है ही, इंग्लिश आपको कोई मतलब ये होता ही है, लैंग्वेजेस में मराठी हिंदी राइट, आपका फ्रेंच रहेगा, किसी का संस्कृत रहेगा, किसी का आईटी रहेगा, वॉट एवर, लेकिन लैंग्वेजेस ये पांच सब्जेक्ट हो गए। और कहीं कभी कभी मेजर इंस्टीट्यूट में एसपी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस और मैथ्स ये दो और में रहते हैं, किसी को एसपी मिलता है किसी को मैथ्स मिलता है। लेकिन दोस्तों नवंबर मंथ आ गया है, बहुत ही जल्द एक टारगेट वाला वीडियो हम बनाएंगे, जैसे मैंने आपको कहा कि आप हमें मैसेज भी कीजिए और उसमें हम आपको जो टारगेट देंगे या फिर आप खुद से डिसाइड करो अपना टारगेट कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन सर कॉमर्स में हम नए, हमको नहीं पता, हम आपकी हेल्प करेंगे, बट आपके कुछ पॉइंट और आप फॉलो करना उस चीज को जो हम कह रहे हैं, आपको अकाउंट्स इको ओसी आपका जो भी एसपी हो मैथ्स हो वॉट एवर और इंग्लिश और हिंदी ये छह सब्जेक्ट को पकड़ के चलना है, जिसमें से इंग्लिश और जो लैंग्वेजेस है वो नए नहीं है, आप हैंडल कर सकते हो। मैथ्स दसवीं तक अलग था, ग्यारहवीं में थोड़ा अलग आपको इसके फ्लेवर्स मिलेंगे, जैसे कि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन यहाँ पे आ गया, आओ बहुत मजे आएंगे वो ट्वेल्थ में एक्चुअली, लेकिन इलेवेंथ में भी थोड़ा बहुत आपको हिंट मिलेगा ही। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस क्या होते हैं सेक्रेटरी, बहुत बच्चे मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, हमारे लेक्चर सुन रहे हैं, तो उनको पता है मैंने एक हाउ टू स्टडी एसपी सब्जेक्ट हमने वीडियो भी बनाया था नो योर कोर्स करके, ओसीएम से रिलेटेड बात आपने देखी होगी। तो दोस्तों अब टाइम आ गया कि आप अपना आलस फेंक दो, अब किसी कॉलेजेस के भरोसे कब लिस्ट लगता है कब एडमिशन होगा क्या कब सब छोड़ दो, अब आप अपनी पढ़ाई चालू कर दो करके राइट। और आप अगर अपनी पढ़ाई चालू कर रहे हो तो आप 12वीं अच्छे से खत्म करो क्योंकि 11वीं अच्छे से हुआ है, और आपको जो भी प्रोफेशनल हेल्प लगेगी प्रोफेशनल एग्जाम देने आप आराम से क्रैक कर सकते हो। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मुझे सिर्फ इतना बोलना था कि बहुत टाइम हो गया है, अब आप देखो कि आपका कहां पे गलत हो रहा है, क्या आपको कहां पे काम करना चाहिए, खुद से होता है क्या, तो हाँ होता है, मुझे भरोसा है कि आप सब बच्चे कर सकते हो, आप में एक डेडिकेशन है, आपने अपना फील्ड चूज कर लिया है, और अब एक बार आपने अपना कॉमर्स फील्ड चूज कर लिया तो इस फील्ड में कैसे बेस्ट बनाना ये मेरा और आपका काम है राइट। तो दोस्तों इतना ही बोल के रुकता हूं मैं, बोलने जैसा बहुत कुछ है, बीच बीच में मिलते रहूंगा मैं, लेकिन हाँ अब पढ़ाई चालू कर दो, अब आप और आपकी पढ़ाई और आपका जो भी गोल है वो आपको क्लियर होना चाहिए, एंड बस कर दो चढ़ाई ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।